कानपुर के बांस मंडी से हुई विकराल आग की घटना पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। गुरुवार देर रात को कानपुर के अनवरगंज थाने के बांस मंडी क्षेत्र में होलसेल कपड़े की मार्केट एसआर टावर में भयंकर आग से हड़कंप, जिसकी चपेट में बगल के चार कॉम्प्लेक्स भी आ गए, जहां पर जिला प्रशासन व सेना ने अभी भी मोर्चा संभाला। लगातार आग बुझाने का काम किया जा रहा, फिलहाल हालात काबू में है, डिप्टी सीएम ने जायजा लेने के बाद कहा। सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया, आग को बुझाने के लिए दमकल की पूरी टीम लगा दी गई। चूंकि कपड़े की आग है इसलिए धुआं निकल रहा, इसलिए उपकरण डाले जा रहे हैं जिससे धुआं बंद हो। कमिश्नर व पुलिस कमिश्नर आगे पूरी तरीके से आग को बुझाने के बाद जायजा लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। लगभग कितने की जान हानि हुई, इस दौरान सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी निरीक्षण किया। जो आग लगने की घटना है, सरकार ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। आग को बुझाने के लिए दमकल के अधिकारी और कर्मचारी पूरी ताकत के साथ कल से लगे हुए हैं। पूरी ताकत और मेहनत के साथ लगे हुए हैं। आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, आग बुझा ली गई है लगभग, लेकिन चूंकि कपड़े की आग है तो धुआं निकल रहा है। धुआं निकालने के लिए भी उपकरण अंदर डाले जा रहे हैं और पानी अभी तक लिफ्ट करा करके बुझाने का काम चल रहा है, जिससे धुआं बंद हो। जैसे ही धुआं निकलना बंद होगा, अंदर जाने की स्थिति होगी, पूरी क्षति का आकलन सरकार कराएगी। कमिश्नर कानपुर और पुलिस कमिश्नर कानपुर दोनों मिलकर के इस बात की रिपोर्ट सरकार को देंगे कि कितनी क्षति हुई है।